हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंपलीफाइड। ना यूक्रेन क्राइसिस तो आपने सुना ही होगा क्योंकि अक्सर न्यूज में आती रहती है बट रिसेंटली नाटो रशिया काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी जहां पे बात की गई कि इस क्राइसिस को या जो इससे डिस्ट्रस क्रिएट हुआ है उसको कम कर सके जिसकी वजह से रोम डिक्लेरेशन न्यूज़ में आ गया तो आज के वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार नाटो रशिया काउंसिल है क्या रोम डिक्लेरेशन क्या है जो कि न्यूज़ में है और ये यूक्रेन क्राइसिस है क्या जो कि इतना सारा न्यूज़ में रहती है इतने टाइम से इसको पूरा डिटेल में हम जानेंगे एक एक करके तो चलिए बढ़ते आगे सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली नाटो रशिया की मीट हुई है यूक्रेन इशू पे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यूक्रेन क्राइसिस एक्चुअली है क्या यूक्रेन वी नो कि यूक्रेन इज अ कंट्री जो कि रशिया के बॉर्डर के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है रशिया के बॉर्डर है यहाँ पे रशिया को बॉर्डर करती है और इधर आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे लाई करती हैं ना यूक्रेन इशू आपका तबराइज क्या यहाँ से लेके ये जो पूरा है यूक्रेन आपकी एक कंट्री हो जाती है इन ट्वेंटी थर्टीन वेपन ट्वेंटी थर्टीन जो रशिया जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो थोड़ी प्रो रशियन थे राइट right? और वहां पे तब एक आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की डील चल रही थी जिसे यूक्रेन का ग्रेटर इंटीग्रेशन आपकी यूरोपियन कंट्री से हो जाता हावे वह गिवन प्रेसिडेंट थोड़े प्रो रशियन थे उस टाइम पे मिस्टर विक्टर ही डिनाइड एट दिस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉलिसी जिसके वजह से वहां पर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट शुरू हो गए ठीक है इस डोमेस्टिक प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये हुआ कि जहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने फोर्स यूज करने की कोशिश की हवे वह उसका इतना पीसफुल सिचुएशन उसके बाद नॉन पीसफुल सिचुएशन उसके बाद हो जाती है कि रशिया गॉट द चांस टू तो इंटरवीन इन बिटवीन और स्पेशली यूक्रेन का जो छोटा हिस्सा है उस टाइम पे जिसकी अलग ही स्टोरी है क्रीमिया वॉज एक्चुअली टेकन बाय रशिया इन टू रशिया इट्स बाई अ वे ऑफ रेफरेंडम वहां पर रशिया ने उस टाइम पे रेफरेंडम कराया जहां पर रेफरेंडम रशिया के फेवर में आया आफ्टर विच रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई कर लिया ना रशिया सेट की यहाँ पे बहुत सारी रशियन पॉपुलेशन रहती थी रशिया जिस ट्राइम टू प्रोटेक्ट द रशियन सिविलाइजेशन इसके बाद यहाँ पे क्रीमिया रशिया का हो जाता है जिसके बाद रशिया पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक सेंक्शन लगे थे यूरोपियन कंट्रीज ने काफी एक्शन लिए इकोनॉमिक एक्शन लिए रशिया के अगेंस्ट ना दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी वो आगे चलती रहती है हावे वह कहानियां खत्म नहीं होती क्रीमिया के साथ अगर देखा जाए तो यूक्रेन में सिचुएशन अभी भी वायलेंट है क्यों क्योंकि तो जो यूक्रेन की ईस्टर्न स्टेट्स है ना यहाँ पे लुहांस डोनेट्स करके यहाँ पे उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए एंड सीरीज ऑफ रेफरेंडम होने लगे उसके बाद जहां पे जो आपके प्रो रशिया रेफरेंडम्स देखे जाते हैं या फिर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन या तो रशिया में इंगेज होना है या फिर मोस्टली इट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन ना रशिया इन चीजों को हवा देता है बिकॉज जो रशिया का रशियन सिविलाइजेशन वाला सपना है वो यहाँ से पूरा होता है कि इट विल गेट द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूक्रेन

जहाँ पे एक तरफ हम रशिया को खड़ा देखते हैं और दूसरी तरफ नाटो सिनेरियो में फाइनली नाटो और रशिया काउंसिल एक मीट हुई एनआरसी मीट अभी रिसेंटली हुई है जिसमें अचुएशन एक तरीके की पेसीफाई करने की कोशिश की गई सो दैट दीज कंट्रीज दीज टू साइड्स कैन कम टुगेदर एंड फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं नीयरली टेन थाउजेंड पीपल हैव लॉस्ट लाइफ सो फार आपने स्टोरीज भी देखी हुई किस तरीके से जो आपका ईस्टर्न आप स्टेट से आपका जो प्लेन था वो भी वहाँ पर जाके आपका क्रैश हो जाता है बढ़ते हैं आगे नॉर्थ रशिया फिर आपके नाटो रशिया काउंसल एक्चुअली है क्या विच इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ पीस नाट टू अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इधर आपकी रशिया हो जाती है और यहाँ पे आपकी यूरोपियन कंट्री आती है और इनके बीच में कभी मतलब शांति वर्ल्ड वॉर वन और टू दोनों के टाइम पे ही नहीं थी बिकॉज ये आपका कम्युनिस्ट कंट्री है और ये आपका कैपिटलिस्ट कंट्री है ना आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन स्पेशली आपकी 1970 के बाद यूरोपियन कंट्रीज का डरेड तो उन्होंने नाटो बना ली एंड नाटो इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा सा रश्य, एंटाई रशिया उसका स्टैंड रहता ही है बिकॉज ऑफ दिस कंफ्लिक है वो प्रो यूरोप थोड़ी सी अप, अप्रोच ले लेते हैं एंड विदर्ड इन वर्ल्ड इन वॉल्स जो जर्मनी मेन कंटेंशन था दो पार्टीज के बीच में दीज टू पार्टी स्टार्टेड कमिंग टूगेदर टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू द कंफ्लिक्ट की ये सालों से फेस कर रहे थे इसकी जो पहली शेप थी वो 1991 में नॉर्थ अटलांटिक कोऑपरेशन काउंसिल ने ली थी या जिसको हम कहते हैं यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल जिसका मेन एम था नाटो और रशिया के बीच में एक तरीके का कम्युनिकेशन चैनल सेटअप करना जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा सा कम हो सके फाइनली 1994 में रशिया ने पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम जॉइन कर लेते हैं पार्टनरशिप ऑफ पीस प्रोग्राम जो कि आपका नाटो का प्रोग्राम था जिसमें उस तरीके से वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज से इंगेज करता है जिससे कि ये आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इधर आ जाती है सारी की सारी जिससे कि बेटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सके नाटो के बीच में और इन कंट्रीज के बीच में मैन नाटो मैन रशिया ज्वाइन दिस उसके बाद फाइनली 1997 में नाटो रशिया फाउंडिंग एक्ट बन जाता है आपका जिसके थ्रू नाटो रशिया के जो रिलेशनशिप है इंप्रूव होने लगता है और इसी के अंदर आपके परमानेंट जॉइन काउंसिल बना दी जाती है दो हजार दो में फाइनली रोमेशन जहां पर नाटो की रशिया के बीच की जो टेंशन है उसको कम किया जाए और नाटो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में पीसफुल सिचुएशन लाई जाए हवे वह ये रिलेशनशिप में मतलब काफी बार प्रॉब्लम आई स्पेशली यूक्रेन इशू के टाइम पे बट गि एनआरसी वॉज इम्पॉर्टेंट इवन दैट्स वाई जब नाटो और बाकी कंट्रीज ने रशिया के साथ रिलेशनशिप सस्पेंड किए थे इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए गए थे इवन दैन एनआरसी वॉज नॉट सस्पेंडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नाटो रशिया काउंसिल अब आते हैं आज के न्यूज पे कि अभी जो एनआरसी की मीटिंग हुई है उसका क्या रिजल्ट निकला ना उसके तीन साइड है एक तो यूएस नाटो की साइड दूसरा रशिया की साइड उसके बाद हम देखेंगे इंडियन साइड क्या है यूएस नाटो वॉन्स कि जो रशिया है अपनी प्रेजेंस कम कर दे यूक्रेन में और उसके बॉर्डरिंग कंट्री में रशिया इज सेंग नो डिस्पाइट इकोनॉमिक सेंशन उसके अंदर अगेंस्ट बढ़ रहे हैं इनसे कि जो नए जो आपके ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नाटो को ना ज्वाइन करे तो बेहतर है इनफेक्ट यूक्रेन तो ना ही ज्वाइन करे तो ज्यादा कंट्रीज नाटो को ना ज्वाइन करे बिकॉज रशिया रशियाड इट इज एन एक्ट अगेंस्ट रशिया ट की है, वो कंट्री में बढ़े, they are uh, जो कि रशिया के एक्शंस क्यों बढ़ जाते हैं said, कि के बाद एक तरीके की इकोनॉमिक जो सिचुएशन खराब हो जाती है उसमें डोमेस्टिक दो, पॉलिटिक्स से आपकी डिस्करेज करने के लिए या उससे लोगों को उनका ध्यान हटाने के लिए रशिया ने क्या किया है रशिया ने एक्चुअली एक्शन्स लिए हैं हावे वह इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशन हो रहे हैं अब इंडिया का पूरा स्टैंड क्या था पूरे इश्यूज पे पूरी इश्यूज पे इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया जब क्रीमिया उसने कर लिया तो क्रीम काफी प्लेटफॉर्म उठाई गई थी इनफैक्ट यूएन का रेजोल्यूशन था जिसमें रशिया के अगेंस्ट पास किया गया था कि रशिया की वजह से काफी ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं इंडिया ने तभी सपोर्ट नहीं किया था बिकॉज इंडिया रशिया के रिलेशनशिप काफी क्लोज है रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है सिंस नाइनटीन में जब हम देखते हैं दैट्स हम रशिया के अगेंस्ट इस तरीके के एक्ट कभी पास नहीं करते नाट दिस इंडिया के लिए भी uh, इसके इम्प्लीशन है साइड एंड इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू टेक साइड तो इसमें सही ये होगा कि रशिया एंड एंड इंडिया केन हैव मोर इन फॉर्मल कन्वर्सेशन बेट इट कैन आस्क रू यू नो सिशन को डिप्लोमेटिकली रिजोल्व किया जा सके एंड अदर थिंगस आई गेट टू बी सीन जैसे न्यूज में आएगा आपको बता दिया जाएगा इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट नाटो देन यू कैन सर्च अबाउट नाटो Forum एस और तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर आपको ये इशू डिटेल में समझ में आ गया ये क्या है तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच करंट the syllabus फोरम both Prelims इज एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट helped एस्पेक्ट ऑफ दिलेबस फ्रॉम बोथ IAS एंड our लास्ट Affairs classes.